नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं इंजीनियर दिशांत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 फिट बाई 44 फिट के एक रेंट पर्पस हाउस डिज़ाइन के बारे में। 28 फिट बाई 44 फिट का किराए के लिए घर का नक्शा आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे। अगर आपके प्लॉट का साइज भी इस प्लॉट साइज के आसपास है या फिर यही आपके प्लॉट का साइज है, तो ये जो आज का वीडियो है आप ही के लिए होने वाला है। और या फिर दोस्तों आप रेंट पर्पस से बनाने जा रहे हैं अपना नक्शा, तो इस वीडियो को आप जरूर देखेगा। आपको इस पे कुछ अलग देखने को मिलेगा, नया देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि यहाँ से आपको एक अच्छा आइडिया लग जाए, आपके डिज़ाइन में वो काम आ जाए। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही हाउस डिज़ाइन, हाउस प्लान देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये मैंने, आप देख सकते हैं, एक साइड ग्राउंड फ्लोर प्लान है और दूसरी साइड इसका फर्स्ट फ्लोर प्लान है। तो सबसे पहले तो हम प्लॉट की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्लॉट था इसके फ्रंट साइड में रोड है, बाकी जो तीनों साइड है अदर प्लॉट है, ठीक है। और जिनका हमने नक्शा बनाया है, इन्होंने कहा था हमको कि बैक साइड में आप 1 फिट छोड़ देना और बाकी जो लेफ़्ट राइट साइड है दोनों साइड जो है आप 1-1 फिट छोड़ देना। तो हमने इनके अकॉर्डिंग ही जिनका नक्शा बनाया है बैक साइड में 1 फिट छोड़ा हुआ है वेंटिलेशन के लिए, और लेफ्ट साइड में भी 1 फिट छोड़ा हुआ है वेंटिलेशन के लिए, और राइट साइड में जो है 1 फिट 4.5 इंच जो है छोड़ा हुआ है वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं मेन गेट की तरफ, यहाँ से हम अपना इस प्लानिंग को समझ लेते हैं। 28 फीट फ्रंट था, यहाँ पर आपका मेन गेट आएगा, और मेन गेट के ठीक सामने आपको जो है पार्किंग इसमें मिल जाएगा, जो कि कार भी खड़ी हो सकता है और बाइक्स वगैरह भी, आप अगर आप लगाना चाहो तो बाइक्स वगैरह भी यहाँ पर पार्क हो जाएगा आसानी से। तो पार्किंग एरिया आप देख सकते हैं 13 फीट 6 इंच बाई 14 फीट 1.5 इंच का आपको यहाँ पर पार्किंग एरिया मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा साइज है दोस्तों। दोस्तों जब भी हम रेंट पर्पज़ से अपना नक्शा बनवाते हैं, तो वहाँ पर आपको पार्किंग देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय है, कोई भी हो, तो उसके पास 2 व्हीलर तो होता ही है, ठीक है। तो पार्किंग आप ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर पार्किंग आप देख सकते हैं, और ये स्टेयर है, स्टेयर आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से हम ऊपर चढ़ के अपने फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जितना भी फ्लोर आप बनाओगे यहीं से ऊपर जाएंगे। यहाँ पर एक पैसेज आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये पैसेज जा रहा है, ठीक है। ये प्रोजेक्शन जा रहा है ना, ये जो प्रोजेक्शन जा रहा है आप देख रहे हैं, डॉटेड लाइन जो है ये ऊपर जाकर यहाँ पर जो है आपका छज्जा निकला हुआ है, बालकनी निकली हुई है, ठीक है। यहीं से ऊपर भी हम इस तरह से सीढ़ी चढ़कर जैसे ही ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर इस पैसेज में हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। ऊपर का भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ अभी। तो देख सकते हैं ग्राउंड पर हमने टोटल जो है 3 यूनिट दिया हुआ है 1 RK के हिसाब से, ठीक है, जिसमें आपको एक बेडरूम 12x9 का, इसके साथ 7x5 का किचन, और 7x3 फिट 7.5 इंच का इसमें आपको कॉमन टॉयलेट मिल जाएगा, और प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड में भी 1 फिट जगह छोड़ा हुआ है, बाकी इस साइड तो ओपन है ही। बाकी आप देख सकते हैं, एक यूनिट ये हो गया, एक यूनिट ये हो गया सेम साइज का भी, और एक यूनिट ये हो गया। तो ग्राउंड पर आपको 3 यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। सीढ़ी चढ़कर जैसे ही ऊपर आएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पर हमने टोटल 4 यूनिट दे दिया है, ठीक है। आगे वाला जो बेडरूम वो पोर्च एरिया था, उसके ऊपर हमने एक यूनिट निकाल दिया है, और देख सकते हैं 9x11 फिट 4.5 इंच का बेडरूम दे दिया, और 4 फिट 2 इंच बाई 6 फिट का टॉयलेट, और यहाँ पे किचन के लिए स्लैब डाल दिया। तो यहाँ पे भी वेंटिलेशन अच्छे से हो जाएगा। इस टॉयलेट का वेंटिलेशन दोस्तों आगे से फ्रंट से हो जाएगा। यहाँ पर अभी वेंटिलेशन का जो है मैंने सिंबल नहीं लगाया है, तो वो मैं यहाँ पर लगा दूंगा। बाकी आप देख सकते हैं, और फर्स्ट फ्लोर पर टोटल 4 यूनिट आपको मिल जाएगा। 3 यूनिट जैसा ग्राउंड पर था वैसा यहीं पर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए थे तो ये जो एरिया देख रहे हैं ना आप, ये 4 फिट 7 इंच बचेगा रेलिंग देने के बाद, तो ये आपका एरिया हो जाएगा आने जाने के लिए, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा 28 फिट बाई 44 फिट घर का नक्शा। और अगर आप भी हमसे अपने घर का नक्शा बनाना चाहते हैं, डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, रेंट पर्पस, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9760202215। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।